अस्सलाम वालेकुम यास, मैं सफिया, आप देख रहे हैं किचन विद सफिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन सकुल्फा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, ये मलाई मैंने लिए 1 कप, 1.25 लीटर दूध है, मैंने ताज़ा दूध लिया है, डब्बे वाला नहीं है, इसी में इसका जायका आता। 1 कप मैंने चीनी लिए, 4 मैंने स्लाइस लिए हैं, उनके किनारे ये मैंने काट लिए हैं, इस तरह से साइडें काट लिए हैं। इलायची मैंने लिए हैं 7 अदद इलायची लिए, इसे मैंने कूट लिया। बादाम मैंने लिए गार्निश के लिए, ये बादाम मैं कुल्फे के अंदर डालूंगी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। 1 अदद पतीला लेंगे सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम ये इलायची डाल देंगे और ये बादाम हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको थोड़ा सा भूनेंगे, इसी से ही जायका बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इनको भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा जलाने नहीं है। बादाम और इलायची हमारी थोड़ी सी भुन चुकी है, अब इसके अंदर हम ये दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1.25 लीटर इसमें दूध चला गया। अब इसके अंदर चमचा चलाते रहे वरना तो ये दूध नीचे लग जाएगा। आंच तेज करेंगे, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। चलें अब इसी स्टेज पर हम ये इसके अंदर मलाई शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने मलाई ली है, आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, कोई सी भी ले लें, दूध इसमें ताज़ा दें। खुला दूध लेना है इसमें। मैंने कोई इसके अंदर डब्बे वाला दूध शामिल नहीं किया, खुला दूध लिया। अभी ये ब्रेड को मैंने ये चूरा कर लिया इस तरह से, आप चाहें तो मशीन में भी कर लें, मैंने हाथों से किया इसे। और दूध में हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, अभी इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर ये स्लाइस का चूरा डाल दूंगी। ये अभी आंच हम थोड़ी हल्की कर देंगे इसके नीचे और थोड़ा इसको 1 घंटे तक इसको पकाएंगे, जायका इसी से ही आता है। जितना हल्की आंच पे अभी ये पकेगा उतना ज़्यादा अच्छा जायका आएगा इसका। तो अभी इसकी आंच हल्की कर देंगे हम और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। चलें जी, अब 1 घंटा हो चुका है, ढक्कन हटाते हैं, देखते हैं। चलिए अब इस कंडीशन में ये आ चुका है, अभी इसे हम एक बार चूल्हे से उतारेंगे और इसे ठंडा करेंगे और फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। चलें जी, अब ये हमारा ठंडा हो चुका है कुल्फे का बैटर, अब इसे हम जग में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। चलो जी, अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम ये जग में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे और अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। बस अभी ये 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट और
अच्छा जी, अब चूल्हा हम बंद कर देते हैं। तो जी हमारा ये तैयार हो चुका है, ये देखें इस तरह से गाढ़ा हो गया। अभी हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब एक सांचे के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, कटोरे में किसी भी चीज़ में, ये इस तरह से बादाम से रख देंगे और इसके अंदर ये जो हमने कुल्फा तैयार किया वो डाल देंगे और ओवरनाइट रख देंगे पूरी रात के लिए, और सुबह इसे काटेंगे ठंडा ठंडा सा कुल्फा। अब ये हम सांचे के अंदर ये डाल देंगे और ओवरनाइट के लिए रख देंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये फ्रीज कर देंगे। कुल्फा हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, कुल्फा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम दिखा देते हैं आप लोगों को। कुल्फा हमारा तैयार हो चुका है, अभी हम इसे काट कर भी दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने काट भी दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।